क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं दिखाओ कैसे बने सामने देख लो सामने सबको सर इधर सर हाथ पकड़ो थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू अभी थोड़ा खींचो चलो चलो लेके जाओ केक काट लो सबको चलो चलो खेलो ये मैं केक लेके जाओ अरे कुमार रुचिता रुचिता बोलो 100 एपिसोड के लिए आप सबको बधाई ऐसे रुक भाई दादा थोड़ा सा बोल रहे 3 आप सबको 100 एपिसोड्स के लिए थैंक यू सो मच आपका प्यार ऐसे ही बरकरार लुकिया मैम मेरी सारी की क्रीज देख लेना घर वाली बाहर वाली मतलब घर वाली बाहर वाली लेकिन है तो साथ में ना है तो साथ आज 100 एपिसोड है तो कुछ स्पेशल ही हो रहा है किसी का बर्थडे आने वाला है तो आपको पता चलेगा किसका जन्मदिन है और कुछ बहुत अच्छा और धमाकेदार देखने को मिलेगा अभी बता सकते हैं आप किसका बर्थडे है एक कोई महिला है हाँ जिसका मन सुंदर है ट्विस्ट यही देखने को मिलेगा कि अमृता अब वापस आ गई है पहले सुनहरी थी लेकिन अभी सबको पता नहीं है सिर्फ माँ और दादी को पता है कि वो अमृता ही है जो सुनहरी थी तो अभी पता चलता है रुचिता को या नहीं पता चलता है कि ये अमृता ही है अमृता प्यार करती है निहार से ये बहुत बड़ी बात होगी ये बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है ये एपिसोड में भी क्योंकि अगर अमृता की सच्चाई आएगी तो ये भी पता चलने वाला है कि निहार को कभी रुचिता से प्यार था ही नहीं विच इज़ अ वेरी बिग थिंग पूरे अभी तक जितना भी हमने एपिसोड किया है इसमें ये मुझे लगता है सबसे सबसे ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है क्या हाँ प्यार नहीं वो बहुत ज़्यादा केयर करने लगा क्योंकि वो भी तो देख रहा है इतने महीनों से शादी के बाद से क्या कुछ नहीं हो रहा है इस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं झेल रही और ऑब्वियसली निहार बहुत अच्छा इंसान है तो इंसानियत के नाते एक केयरिंग और साथ रहते रहते आदत हो जाती है प्यार नहीं बोलेंगे बट हाँ उसको उसके प्रति फील होने लगा है कि बेचारी बहुत सीधी है भोली है तो मैं इसका साथ दूंगा जिसकी वजह से मुझे लगता है रुचिता इस घर में गॉयल्स में टिकी हुई है जस्ट बिकॉज ही इज़ केयरिंग ही इज़ दैट केयरिंग एंड लविंग यही बोलूंगी कि आज 100 हुआ है 500 होगा 1000 होगा ऐसे ही प्यार करते रहिए और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया हम लाते रहे एपिसोड में और सारे मैसेजेस जितने भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप जो भी मैसेज करते हो हम सब कुछ देखते हैं इस सीरियल को सराहा गया है एंड जितना मतलब एक होता है कि हार्ड वर्क हर आदमी करता है लेकिन एक्सेप्ट सब नहीं करते तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है अभी भी रोज़ इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो नेगेटिविटी वाले मैसेजेस आते हैं तो अच्छा लगता है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं ऑडियंस को जो कि उन्हें पसंद आ रहा है तो आई फील ब्लेस्ड आई फील थैंकफुल ऊपर वाले का अपने माँ बाप का ऑडियंस का
एंड अपने चैनल का, अपने प्रोडक्शन का, अपने टीम का, ये सब एक आई थिंक बस आई जस्ट फील लकी. हमारी भाभी है और भाभी हमारी भाभी रहेंगी. देवर बीवी और अमृता का तो फिर अभी शायद 50-50 है, किसी पे भी जा सकता है, लेकिन भाभी नहीं बदलेगी. जी हाँ, आज 100 एपिसोड्स, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है कि 100, वही जैसे कि बताया रुचिता ने भी कि 100, 500, 1000, 5000, मतलब निरंतर चलता रहे. और ये जो सफ़र है ये बहुत ही सहज तरीके से शुरू नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव हुए थे इसको शुरू करने में. लेकिन उस वक्त हम ये भी नहीं सोच पाए थे कि 100 एपिसोड तक पहुँचेंगे, लेकिन आज जो पहुँचे हैं तो अपने आप में बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत सारे, मतलब हमारी पूरी यूनिट, हमारा पूरा टीम, मतलब एकजुट होकर जिस तरीके से सारे ऑड्स के साथ लड़ते हुए करा है. मन सुंदर का शायद यही कॉन्सेप्ट भी है और यही हमारे शो की शुरुआत भी है. सुनहरी का ये असली रूप अमृता सुनहरी बन के आई थी, क्योंकि उसका कुछ मकसद था कि वो अमृता के तौर पे वापस आ सके, लेकिन वो ऐसे नहीं आ सकती तो वो कैसे आएगी, तो इसलिए उसने पहले सुनहरी का रूप लिया और वो इस घर में आई. उसने अपर्णा जी और पूनम जी और दादी को जो भी है धमकाया और कैसे भी अपनी जगह बनाई इस घर में अमृता बनके. और अब जब अमृता वापस आ गई है तो अब निहार कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, क्या उसको अपना प्यार वापस दिला पाएगी, उन दोनों का रिश्ता तोड़ पाएगी, ये सब अब आप मन सुंदर पे देखिए आगे. बहुत खुशी हो रही है, मतलब इट टेक्स अ लॉट टू कम्प्लीट 100 एपिसोड्स. हम सब ने, पूरी यूनिट ने, पूरी कास्ट ने बहुत मेहनत की है और 100 एपिसोड्स होने पे, पूरे होने पे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. मतलब और मैं इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाऊँगी. आप सब 100 एपिसोड्स हो गए हैं. आज मैं एक्चुअली, हम लोग आगे दिखाने वाले हैं कि हमारे घर में एक पार्टी है. किस चीज़ की पार्टी है बता दें, और पार्टी में अमृता क्या करेगी, तो वो कुछ करने वाली है रुचिता के साथ. हम उसी की प्लानिंग का आज देखते देखते हो गए और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. मन सुंदर जी सर, रोल किरदार भी पसंद आ रहा है जी सर. बीवी को बचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जी सर. सर बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. मैं 100 एपिसोड, हम सब ने इतनी मेहनत की और अभी सक्सेसफुल, एक तरह से सक्सेसफुल जा रहा है हमारा शो. एंड हमें तो पता भी नहीं लगा कि 100 एपिसोड कब हो गए, मतलब अभी ऐसे लग रहा है कि 4 दिन पहले 18th अक्टूबर था एंड अभी 100 एपिसोड भी पूरे हो गए. बट अभी 100 क्या, अभी 500-1000 एपिसोड करेंगे तो अभी आई हमारी उसी के लिए. बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग कि एक्चुअली मैं इतना मेहनत करते हैं सारे, हमारी पूरी टीम एंड लोग इतना अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड 100 एपिसोड आज की डेट पे कोई छोटी बात नहीं होती करना, तो आई फील ब्लेस्ड. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना ज़्यादा प्यार मिला है हमें, मन सुंदर के पूरे टीम को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर दिस. अभी 100 एपिसोड का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. और हाँ, ट्विस्ट डे वन से यही हो रहा है, क्या क्या रुचिता ने देखा है, क्या क्या झेला है, मैंने तो सब देख लिया है ऐसा लग रहा है. लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. हर एक एपिसोड में कुछ नया लाने की कोशिश करते थे हम, कुछ नया करते थे. और एक एक्चुअली में एक फैमिली जैसी फीलिंग आती थी, सुबह आना, रात में जाना, और पता भी नहीं चला कैसे 3 महीने इतनी जल्दी निकल गए. बट वी ऑल आर रियली हैप्पी. You're welcome. दादी क्या बताएं कि कैसा लग रहा है, तो हो गया आज केक कटना है और सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे सबके, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सब पूरी टीम को, अपने सब प्रोडक्शन हाउस को, ऑल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एवरीवन एंड ऑल आर्टिस्ट, पूरी एंटायर टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी. सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग डेज तक भूल जाते हैं कि आज डेट कौन सी है, ये तक याद नहीं रहता है. एक दूसरे से पूछते हैं ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, मतलब लगातार हम लोग डे नाइट इस तरह से करते रहे. बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग अभी सक्सेस हो गए आज. और मुझे तो लगता है मैं तो टास्क एक्सपर्ट हो गई, इतने इसके अगेंस्ट इतना काम, मतलब इतना इसको दुखी किया है दिस लवली गर्ल.
पास एक्सपोर्ट के रह गए, कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो बस आई एम रियली फीलिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट, वेरी गुड।